हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे वीडियो में कि मेरे पास एक सैमसंग का डिवाइस आया हुआ है जो कि इसका मॉडल है F04। ये देखिए, यहाँ पर F04 है ये, और इस डिवाइस में FRP लॉक लगा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपके पास F04 आता है और आपके पास QMT है तो आप इसे इजीली अनलॉक कर सकते हैं इसका FRP को, तो वो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में गाइड करूंगा। सबसे पहले पावर ऑफ कर देना, वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके USB से यानी अपने PC से अटैच कर दीजिएगा, ठीक है। वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके USB से कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में आएगा, यानी आपके फ़ोन को डाउनलोड मोड में लाना है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम अप से कंटिन्यू कर दीजिएगा इसे। देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम अप से कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आपको UMT का, आप जो भी वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, जो सैमसंग टूल है UMT का, वो उस वाले वर्ज़न को आपको ओपन करना है, जो कि मैं 0.7 यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद FRP रीसेट मेथड में और MediaTek FRP, और यहाँ पर आपको रीसेट FRP कर देना है, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपके पास UMT है तो वन क्लिक में आप F04 का FRP को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो FRP का प्रोसेस है वो वहाँ पे चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर, और रीसेट FRP डन, और यहाँ पर क्लोज़, ठीक है। तो यानी इसका जो FRP था, आपने देखा कि बहुत ही इजी तरीक़े से निकल गया। इसी को अगर आप बाईपास करते तो भैया, आज के वक्त में तो आपको पता है कि सैमसंग थोड़ा अभी टाइट चल रहा है, यानी FRP को बाईपास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और भी बहुत सारा जो टूल है टोटल उसमें काम करना बंद हो चुका है। यानी सैमसंग का FRP आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑनलाइन कराते हैं तो ऑनलाइन रेट अभी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सर्वर ही उसका काम नहीं कर रहा है, तो ये सब लफड़ा है, ठीक है। तो अगर आपके पास अगर F04 आता है तो इस सब डिवाइसों को इजीली इस तरीके से बाईपास कर सकते हैं उसका FRP को, ठीक है। लेकिन ये जो टूल है दोस्तों, जब आपके पास काम करेगा, जब UMT आपके पास रहेगा तब ये काम करेगा, वरना ये टूल काम करने वाला नहीं है, ठीक है। बहुत सारे भाई, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी भाई वीडियो को देखते हैं, वॉच करते हैं कि भाई ये टूल पेड है या फिर फ्री है। तो भाई, UMT एक जो टूल है वो पेड टूल होता है, ठीक है, उसे ख़रीदना पड़ता है, उसका एक्टिवेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इसका जो FRP है वो निकल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, और एक बार इसका मॉडल भी दिखा देता हूँ, और किस सिक्योरिटी में मैंने इसे, यानी इसका कब का सिक्योरिटी था जब मैं इसे अनलॉक किया, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। हालांकि अपडेट है यानी ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो मेरे पास कस्टमर लेके आया, मैंने ट्राई किया और वीडियो भी आपके पास सामने लेके आया, तो ये अनलॉक हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी मैंने आपको दिखाता हूँ एक बार, इससे आपको पता चल जाएगा अगर आपके पास भी ऐसा आता है तो, अगर इस सिक्योरिटी में रहेगा तो आपका जो डिवाइस है वो FRP जो है वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट आपको हर वीडियो में करता हूँ कि अगर आपने हमारे इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हार्डवेयर यानी मोबाइल रिपेयरिंग और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, जिससे आपका कुछ ना कुछ हद तक हेल्प होता ही होगा। जहाँ बाईपास मेथड होता है, मैं बाईपास बताता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि विदाउट PC ही वीडियो लाऊँ, ताकि हर एक भाई अपना काम को अंजाम दे सके। तो फिलहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो इसका मॉडल वगैरह देख लीजिए, और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में गया, और देखिए Android 13 पे रन कर रहा है, इसका स्पीड भी आप देख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।